हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4 और मैं 4 बजे से आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ना 2 तारीख का वीडियो है थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए, आज मैंने बनाया था ये केक, ब्रेड वाला जो बनता है वो वाला केक बनाया था, कैरामिन वाला। तो मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसा बनेगा, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम बनाया है उस हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा बना, काफ़ी अच्छा बना। और मैंने इसको दोपहर में बनाया था, फिर 2 घंटे रेस्ट के लिए इसको रख दिया ठंडा होने के लिए। और उसके बाद अभी मैंने इसको निकाला है और आपको देखिए कट करके दिखाती हूँ ये कितना अच्छा बना। बहुत अच्छा बना था वैसे, मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन बच्चों को और इनको ये थोड़ा सा पसंद कम आया था। और ये देखिए जैसा मैंने भी देख के बनाया था, तो जैसा वीडियो में देखते सेम उसी तरीके से बन गया था। ये देखिए अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम फ्लफी सॉफ्ट बना था, एकदम बहुत अच्छा बना था। तो अगर कभी फिर बनाया तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी फिर इसके बाद मैंने फिर ये हो गई है रात, और रात को हम हो गए देखिए तैयार। तो आज एक छोटी मतलब आज एक बर्थडे पार्टी है 2 तारीख को, तो बस उसी में जाने के लिए मैं यहाँ तैयार हुई हूँ। और अभी टाइम हो गया है, अभी मुझे लग रहा है 8 के समथिंग होने वाला होगा शायद। और आज मैंने साड़ी डाली हुई है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, और ठंडी है ना इस वजह से स्वेटर भी डाल लिया है। और ये मेरे हस्बैंड भी इधर तैयार हो रहे थे, तो मैं बस बात नहीं कर रही थी क्योंकि फिर ये मेरी हंसी उड़ाते मजाक उड़ाते इस वजह से। तो बस अभी हम चलते हैं, अभी आ चुके हैं घर और आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और अब ये बिस्तर बाद में संभालूंगी, उससे पहले मुझे बनाना है खाना। टाइम हो गया 9 और थोड़ा सा हम लेट से पहुंचे थे, तब तक केक वेक कट गया था वहाँ पे, बस फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और इन लोगों को देखिए ये यहाँ पे आके खा रही हैं, और इसकी जैकेट का हाल देखिए, ये मुझे जैकेट धोनी पड़ेगी कल ही, बस थोड़ा सा टाइम रात को पहनी है उस दिन और अब पहनी है, इतने में इस जैकेट को इसने बहुत गंदा कर लिया है। चले खाना बना लेती हूँ थोड़ा सा, मैं तो मेरे मन ही नहीं हो रहा है खाने का, थोड़ा बहुत खाया तो खाया, कुछ इनके लिए बनाऊंगी रोटी सब्जी, मैं पहले से बना के चली गई थी, रुक जाए 1 मिनट। और अभी खाना वाना बनाने के बाद मतलब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, कपड़े वगैरह को रखने लग गई हूँ। और लो मतलब मैं कैमरे के सामने से जब कोई होता है तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि वैसे वो ये तो मेरे हस्बैंड तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, बस थोड़ा सा मुझे ही लगता है, लेकिन लोगों का काम है ना मतलब मजाक उड़ाते हैं लोग, पीठ पीछे बोलते हैं फिर ये क्या कर रही है, ये कैसा कर रही है, पर कोई नहीं देखे लोगों का काम बोलने का। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे पता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये मैं चीज़ जानती हूँ। और जब कोई ना थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करता है थोड़ा सा कुछ भी, तो बस लोग ऐसा ही करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक उड़ाते हैं सामने वाले इंसान को, सोचो वो इतना मेहनत करता है ये करता है, जब उसको कैसा लगता है। पर कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ जो भी करती हूँ। तो बस यही था कि पता नहीं क्यों, ठीक है आज सपोर्ट कम मिल रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मुझे सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा, मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा, क्योंकि जब तक भीड़ नहीं होती है ना तो लोग साथ भी नहीं देते हैं, और आगे बढ़ने के लिए तो आपको अकेले ही चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। लेकिन जब आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस हो जाते हो तो भीड़ अपने आप आपके पीछे चली आती है, लेकिन पहले कोई भी साथ नहीं देता, बहुत कम लोग होते हैं साथ देने वाले। तो और अभी टाइम हो चुका है 11:15 बज रहे हैं, और आज डेट है आज 4 तारीख है, वो थोड़ी छोटी सी क्लिप पहली थी, तब से कुछ वीडियो बन ही नहीं पाया। तो बस अभी सारे काम ख़त्म किए हैं मैंने, जस्ट कपड़े वपड़े सुखा के आई हूँ, नहा के पूरे काम ख़त्म हो चुके हैं मतलब। और ये देखिए मुझसे कितनी चीज़ें खराब होती रहती हैं, ये इस तरीके से टूट गया, अब इसको ऐसे करके निकालना होता है, बस काम ही चल रहा है। और बच्चों की थोड़ी सी उस दिन की वजह से तबीयत खराब हो गई, लेट नाइट में जगने की वजह से ठंडी लग गई, तो उनके हो गया है सर्दी खांसी, तो उनको बस थोड़ी सी दवा देनी है मुझे थोड़ी सी, फिर उसके बाद खाना पीना बनाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, वैसे लोशन उतना कुछ काम तो आता नहीं है आजकल ना, ठंडी में बहुत बेकार हो जाते हैं हाथ चेहरा वगैरह।
उस दिन मुझे पूछा था तो ये था लेकमे का, और इसको भी मैं कभी कभी यूज करती हूँ, सच बताऊँ डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डेली में कोई भी इतना सूट नहीं होता कुछ भी मुझे डेली में। मैं कुछ लगाऊँ तो चेहरे पे बहुत कम लगाती हूँ, जब मुझे ज्यादा रूखा सा लगता है तभी मैं कुछ लगाती हूँ। नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया था, और ये देखिए मैंने मतलब पहले मंगाई थी लेकिन इनको भी यूज नहीं किया, सर्दी खांसी के लिए इनके लिए दवाई नई रखी है मेरे पास, ये सर्दी की है और खांसी की होगी इनमें से एक, और बुखार की, तीन ऐसे करके थी। तो बुखार तो इन लोगों को नहीं है लेकिन सर्दी खांसी वाली को मैं यूज कर लूंगी, बुखार वाली, ये पैरासीटामोल बुखार की, लेकिन बुखार नहीं है तो इसको अभी मैं नहीं खोलूंगी, ओपन नहीं की है। ये है, इन दोनों को इन बच्चों को दे देती हूँ अभी। तो छोटा वाला पहनती थी उसको टूटने से ना बड़ा बेकार हो गया, अब इसको मैं डेली में पहनूंगा तो इसकी माला में ना अंटे लग जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके अब देखिए कब बन पाएगा पता नहीं। और नहीं पहनी तो फिर गला भी अच्छा नहीं लगता, खाली खाली जैसे। दवा लेना है देखो, उस दिन इनको पार्टी में जाना था वो सो रही थी और आज बीमार होके पड़ी है। तो बस अभी यहाँ पे दे रही हूँ मैं दवाई, और अभी मेरा ना गला अच्छे से सही नहीं हुआ है, मतलब सर्दी अच्छे से ठीक नहीं हुई तो थोड़ा गला ऐसा ही हो रहा है। तो ये मेरे पास दवाइयाँ रखी हुई थी मैंने पहले, मतलब मंगा के रखी हुई थी, और ये भी नई दवाई थी, मैंने यूज नहीं की है बिल्कुल भी। और बच्चे ना कितना भी आप कपड़े पहना लो कुछ भी कर लो, लेकिन जब बच्चे इतना लेट तक रात में बाहर जगेंगे तो वो बीमार तो होने हैं, वो तो पहले से ही पता था कि बच्चे लोग बीमार हो सकते हैं। तो इसी वजह से अब मैंने इनको सर्दी खांसी की दवाई दे दूंगी, इनके वैसे बुखार वगैरह नहीं है, मतलब सर्दी और खांसी है, और खांसी बहुत ज़ोर से है, एक बार खांसी हो जाए ना फिर उतना जल्दी भी नहीं होती है। तो बस अभी सारा काम फ्री करके और बच्चों को दवाई दे दूंगी, फिर इसके बाद खाना पीना बनाऊंगी, वही दोपहर का रूटीन शुरू हो जाएगा, सुबह का मेरा काम खत्म हो चुका है अभी। और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए, थोड़ा सा चटपटा सा खाने का मन कर रहा था तो थोड़ी सी नमकीन, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा मिर्ची का अचार, तो थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं अभी पहले नाश्ता। इस तरीके से बना के खाने में अच्छा लगता है, वैसे मुझे तो अच्छा लगता है। आज सुबह इनके लिए मैंने बनाया था नाश्ते में पोहा, तो पोहा फिर ठंडा खाने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। बस अब खाना ही बनाऊंगी, 11:30 का टाइम हो गया है लगभग, तो खा लेती हूँ देखिए। तो बस आप ही बनाऊंगी मैं पत्ता गोभी की सब्जी, वैसे तो लौकी भी रखी थी एक और मटर भी रखी थी, लेकिन नहीं अभी ये गोभी बना लेती हूँ आज। तो बस गोभी आलू की सिंपल सी, वही सेम, और ज़्यादातर मेरा खाना ना देखिए सिंपल होता है डेली का, तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और सारी चीज़ें, गोभी वगैरह सब कुछ कट करके रख लिया है, और बस मैं फटाफट से सब्जी को तड़का लगा दूंगी। और थोड़ी सी ना ठंडी लग रही थी तो फिर मैंने स्टॉल ओढ़ लिया, क्यों घर में अंदर छाँव में ठंडी लगती है, धूप में बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने जीरे प्याज में इसको छोंक दिया है और कूट के डाल दिया है यहाँ पे लहसुन, और सारा ये अब जो अच्छे से मसाला भुज जाएगा तो बस मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी जो मसाले हैं। और मैं नॉर्मल सब्जी बनाती हूँ, सिंपल सब्जियाँ जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती हैं, ज़्यादा तीखी ज़्यादा मसाले वाली ना डेली यूज में मुझे तो अच्छी नहीं लगती हैं सब्जी, खाने में भी और सेहत के लिए भी सही नहीं होती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाल के वही नॉर्मल जो होते हैं, और यहाँ पर गोभी और आलू को डाल दिया है, और मैंने ना मसाले सॉरी अभी डाल रही हूँ, पहले नहीं डाले थे सब्जी को डाल के, और टमाटर मैंने पहले नहीं डाले, जिसकी वजह से क्या है कि ये सब्जी बहुत जल्दी गल जाएगी, टमाटर डाल दीजिए तो फिर सब्जी को गलने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए कुछ ही टाइम में मैंने जब तक आटा वाटा लगाया, कुछ थोड़ा बहुत अपना काम किया, उतने ही टाइम में मेरी सब्जी अच्छे से गल गई है, और अभी मैं टमाटर डाल दूंगी तो ये सूखी सब्जी है, टमाटर बहुत जल्दी से इसमें आराम से पक जाएंगे, क्योंकि सूखी सब्जी में टाइम नहीं लगता, थोड़ा रसीली में अजीब जैसे लगते हैं और घुल जाएंगे ये। यहाँ पर मैंने दूध करके रख दिया है, साथ साथ जब मैं यहाँ खाना वगैरह बनाऊँगी तो साथ के साथ दूध भी गर्म हो जाएगा, ये सारा मेरा काम होता रहेगा। तो ये देखिए सब्जी बन के हो गई है रेडी, और आटा भी लगा रखा है, और
बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा अभी ना ये इन इनसे बात की तो ये अभी आने वाले नहीं है, थोड़ा लेट से आएंगे, तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाया और बाद में रोटी बना लूँगी। यहाँ क्या करूँगी, बच्चों को थोड़ा सा आज से इसकी क्लासें शुरू हो गई तो थोड़ा सा रिविजन कराऊँगी, मतलब रिविजन नहीं इसका होमवर्क कराऊँगी। और यहाँ पर ना कल मैंने मंडे को सिर धोया था, और वैसे फिर ये आज 4 तारीख है ना, तो ऑयल नहीं डाला था ना धोने से पहले ना बाद में, तो मैं अच्छे से यहाँ पे अपना ऑयल डाल लेती हूँ सिर में आराम से बैठ के, धूप में बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ बच्चों को भी देखती रहूँगी, और फिर इसके बाद ये आ जाएंगी तो खाना वगैरह बना लूँगी, और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।